विकृति हमेशा उसके देश काल परिस्थिति की मर्यादाओं से बद्ध होती है, हमको विभिन्न देश काल परिस्थितियों में काम करना पड़ेगा। तो मार्गदर्शक क्या है? तत्व, कृति के पीछे, जीवन के पीछे, विचार के पीछे जो तत्व है, हमारी सर्वसमावेशक, अत्यंत उदार और संपूर्ण विश्व के समस्याओं का उत्तर दे सकने वाले, मूल्य देने वाली हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का प्रतीक यही ध्वज है। और इसलिए हम इसको गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का दिन करते हैं। भगवा ध्वज को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के पीछे संघ का दर्शन यह है कि किसी व्यक्ति को गुरु बनाने पर उसमें पहले से कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, या कालांतर में उसके सद्गुणों का क्षय भी हो सकता है, लेकिन ध्वज स्थायी रूप से श्रेष्ठ गुणों की प्रेरणा देता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुख्यतः तीन कारणों से भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। ध्वज के साथ ऐतिहासिकता जुड़ी है और यह किसी संगठन को एकजुट रखते हुए उसके विकास में सहायक होता है। भगवा ध्वज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वह विचारधारा सर्वाधिक प्रखर रूप में प्रतिबिंबित होती है जो संघ की स्थापना का प्रबल आधार है। किसी व्यक्ति की जगह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक भगवा ध्वज को सर्वोच्च स्थान देकर संघ यह सुनिश्चित करने में सफल रहा कि वह व्यक्ति केंद्रित संगठन नहीं बनेगा। संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी, संघ प्रमुख समेत सभी स्वयंसेवक भगवा ध्वज को सादर नमन करते हैं। संघ की अनेक शाखाओं में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन फहराया जाने वाला भगवा ध्वज कई दशकों से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रेरणा देता रहा है। यही कारण है कि संघ के स्वयंसेवक अपनी विचारधारा के साथ बड़ी गहराई से जुड़े रहते हैं। यह भगवा ध्वज हिंदू समाज के सतत संघर्षों और विजयश्री का साक्षी रहा है, इसलिए ये देश और समाज की संस्कृति का अहम हिस्सा है। हिंदू संस्कृति हमारे देश की जीवन रेखा है और भगवा ध्वज हमारी हिंदू संस्कृति का सबसे महान प्रतीक है।